हे hey दोस्तों दिस इज मुकेश वेल कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंडेसेस को बोलते हैं जहां पर हम लोग कहते हैं आपको अंदाजा नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं इस संडे से हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो बाद में पछताओगे तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप सब्जेक्ट बदल सकते हैं जैसे कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कौन था तो ऐसे सेंटेंसेस ही बोल सकते हैं तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हिंदी में आप कोई लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं बट इंग्लिश इसका सेम टू सेम होगा इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं यू हैव नो आइडिया यू हैव नो आइडिया यहाँ पर सब्जेक्ट अगर चेंज होगा तो यू के जगह ही सी एट या कोई नाम भी आ सकता है अब इसके कंप्लीट स्ट्रेक्चर इस को देखते हैं सबसे पहले लगाएंगे यू हैव नो आइडिया उसके बाद लगाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड जो भी डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा जैसे कि क्या रहेगा तो वट लगाएंगे कैसे रहेगा तो ह लगाएंगे कौन रहेगा तो हु लगाएंगे इसी तरीके से उसके बाद लगाना है आपको सब्जेक्ट याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बल्कि सामने वाले को बता रहे हैं कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है उसको आखिरी में लिखेंगे अब इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आज का पहला सेंटेंस है तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो या नहीं तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किसे पंगा ले रहे हो तो इस सेंटेंस के लिए कहिएगा यू हैव नो आइडिया होम यू आर मैसिंग विद यू हैव नो आइडिया होम यू आर मैसिंग विद विद मतलब होता है पंगा लेना नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं यू हैव नो आइडिया वट ऑल वी कैन डू यू हैव नो आइडिया व्हाट ऑल वी कैन डू नेक्स्ट सेंटेंस आपको अंदाजा नहीं है कि आप अभी कहा खड़े हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं यू हैव नो आइडिया वेयर यू आर स्टैंडिंग नो यू हैव नो आइडिया वेयर यू आर स्टैंडिंग नो या राइट right नो no भी कर सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपको कोई अंदाजा नहीं है कि म... तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं यू हैव नो आइडिया हु आई एम यू हैव नो आइडिया एम अगर सेंटेंस को हम ऐसे बोलेंगे यू हैव नो आइडिया हु एम आई तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा याद रखिएगा, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वॉब नहीं लगाना है बल्कि सब्जेक्ट के बाद लगाना है यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं उसको बता रहे हैं कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं कौन हूँ गोट एट आई थिंक आपने समझा यहाँ पर की के लिए अलग से दैट नहीं अलग जब आपके सेन्टेंस में डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है तो की के लिए दैट का यूज नहीं किया जाता है वहां पर आप एच टू का यूज कर सकते हैं बट दैट का यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों इससे जुड़ी माइप को एक संडेज दे रहा है उसको ट्रांसलेट कीजिए की कमेंट बॉक्स में इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आल करेक्टेड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो बाय बाय